और अब खबर जयपुर से है। आचार संहिता में शिलान्यास के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते चले। मंत्री महेश जोशी को नोटिस थमा दिया गया है। गढ़ गणेश मंदिर रोपवे का शिलान्यास किया गया था और इसी मामले को लेकर मंत्री महेश जोशी को नोटिस थमाया गया है और आज ही आज में जवाब देने को भी कहा गया है। हवा महल की रिटर्निंग अधिकारी दीपिका तोमर ने नोटिस थमाया है। शिलान्यास स्थल के पास पहुंचने को लेकर नोटिस दिया गया है। जोशी को आज ही इस नोटिस पर अपना जवाब भी पेश करना है। इससे पहले निर्वाचन विभाग ने रोपवे कंपनी को भी नोटिस थमाया था। अब मंत्री महेश जोशी को नोटिस दिया गया है और आज ही इस नोटिस पर जवाब भी पेश करना है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश की जाट राजनीति और मारवाड़ की राजनीति में अब तलवारें खिंची हुई नजर आ रही हैं। ऋजपाल मिर्धा ने बेनीवाल पर जाट राजनीति को खत्म करने का आरोप लगा दिया तो बेनीवाल ने उन पर पलटवार किया है। देखिए, इसके गांव में गोली चल रही थी, मैंने 302 के मुकदमे से इसको बचाया था, ये बात तो यह जनता को नहीं बताता। घर वाले मेरे पास आए थे दबे पांव के, मेरे बेटे के सामने उम्मीदवार मत उतारना, मैंने इसको चैलेंज किया। अगर मैं आया हूं तो मेरे भी एक लड़का है विजयपाल और तेरे भी एक लड़का है, दोनों अपन मंदिर में चलते हैं, कसम खाते हैं। ऋजपाल मिर्धा का एक बयान आया, उन्होंने अरे वो तो चले हुए कारतूस है, छोड़ो। 302 में उन्होंने बोला है कि 302 क्या जानता है, वो तो फंसाने में था। सुनो, वो तो मुझे फंसाने में था, सुन लो मेरी बात। उसकी कोई बात रहती का तो 15 तो पार्टी बदल चुका है, बीमार है, उसके बारे में मत बात करो। बोल रहे कि उसके कड़े वो क्या कोई राजस्थान का नेता है क्या? वो राजस्थान का नेता आरएलपी के पिछली बार और उसका बेटा मेरे पास आए थे। तो